अगर आप बिहार से ही और आप अपना एक कोचिंग चला रहे हैं या कोचिंग खोलना चाहते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं आप अपनी कोचिंग को गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ यानी कि बिहार सरकार के साथ रजिस्टर करना, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है किस तरह अपनी कोचिंग को बिहार सरकार के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको स्कूल की रजिस्ट्रेशन, स्कूल को एफिलिएट करने का, स्कूल को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने का पूरा प्रक्रिया मैंने आपको ये वीडियो में दिया हूँ, और ये वीडियो मैंने आपको छोटी मोटी डॉट को क्लियर किया हूँ और डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। ये दोनों वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद आप घर बैठे ऑनलाइन अपने स्कूल का एफिलिएट ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ, अपने विद्यालय को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कोचिंग का रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है अगर आप बिहार से हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया लेकिन प्रॉपर जानकारी मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने इसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा किया, तो इस वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ सारी जानकारी को। इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज बने हैं जहाँ पे आपको जीएसटी उद्योग आधार बनाने को बोला जा रहा है कि ये सब बना लीजिए, आपका मतलब आपके कोचिंग गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर हम बिहार सरकार के साथ आपको अपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रक्रिया हम बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पर आपको ऑनलाइन रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैंने आपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा हूँ, आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। जिस टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म है यानी कि ऑफलाइन आपको आवेदन करना होगा, ये फॉर्म जिला सुपौल के लिए, लेकिन आपको जो मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा डालूंगा वो ब्लैंक फॉर्म है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर है तो आप टेस्ट मतलब इस फॉर्म को बना भी सकते अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये फॉर्म है जो कि देख सकते हो ऊपर में लिखा है कोचिंग संस्थाओं के निबंध हेतु आवेदन, ठीक है। तो ये फॉर्म को फिलअप करना है, क्या चार्ज लगेगा वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे जैसे कि बताया कोचिंग संस्था, जो भी कोचिंग संस्था है 10 से ज्यादा की संख्या में बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी कोचिंग संस्था है जो 10 से ज्यादा की संख्या में बच्चे को पढ़ाते हैं छात्र छात्राओं को, जो किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी बोर्ड के पाठ्यक्रम को तैयारी कराते हैं, उसके लिए एक अनिवार्य हो जाता है उसको अपनी कोचिंग को रजिस्टर करना होगा यानी कि संस्था को निबंध करना होगा। तो ये जो बिहार कोचिंग संस्था नियंत्रण एवं विनियम अधिनियम 2010 के अंतर्गत होगा, ठीक है। ये जो आपके जो कोचिंग रजिस्ट्रेशन होंगे वो किस एक्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म पे दर्शाया गया है। इसे आप रीड करेंगे, मैं आपको डाल दूंगा इसका पीडीएफ, प्रेस वाला पीडीएफ, क्लियर पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रूफ यहाँ पे देखिए, कोचिंग संस्था का नाम एवं पूरा पता, आपके कोचिंग का नाम डालेंगे और उसका पूरा पता डालेंगे। पूरा पता जो डालेंगे उसमें आपका पंचायत भी होना चाहिए, वार्ड भी होना चाहिए, प्रखंड भी होना चाहिए, यानी कि फुल पता लिखेंगे जिसमें आपका एड्रेस में आपका वार्ड संख्या, पंचायत और प्रखंड भी आना चाहिए, ठीक है। कोचिंग का नाम, उसके बाद यहाँ पे पता लिखेंगे नंबर वन में। नंबर टू यानी कि प्रबंधक जो भी इसके हेड है उसका नाम पता मोबाइल नंबर, उसका नाम पता मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। उसको तीसरे नंबर में कह रहा है कि आप जो आपके जो बच्चे हैं मतलब जो भी छात्र हैं आपके कोचिंग में, उसको उससे पर महीने छात्र छात्रा जो है उससे पर महीने कितने रुपए आप फीस लेते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे कि 200-300 रुपए फीस लिए जाते हैं कोचिंग संस्थाओं में, तो आप जो है प्रति बच्चे छात्र छात्राओं में एक बच्चे भी कितने रुपए महीने का फीस लेते हैं, 200-300 जो भी लेते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके चौथे नंबर में यहाँ पे कह रहे शिक्षकों से कहेंगे आपकी कोचिंग में कितने शिक्षक वो डालेंगे। उसके बाद पांचवें नंबर में कि आपकी जो कोचिंग है कोचिंग कितने छात्र छात्रा छात्र जो जितने भी वो आपको ए वाले में लिखना है, छात्रा जितने भी वो आपको बी वाले में लिखना है, ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखेंगे यानी कि पाठ्यक्रम कौन सी क्लास की आप पढ़ाते हैं, मतलब आपके विद्यालय में कौन कौन सी पढ़ाई होती है, जैसे कि किसी प्रतियोगिता की पढ़ाई होती है तो वो डालेंगे, अगर किसी बोर्ड की पढ़ाई होती है जैसे कि बोर्ड की पाठ्यक्रम तो मैट्रिक इंटर वो डाल सकते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि जैसे कि 9वीं की या 10वीं की मैट्रिक की तैयारी कराते हैं उसमें एक अवधि क्या रहती है, कितने दिनों की अवधि रहती है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आठवें नंबर में आपको कह रहा है कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षक, आपकी कोचिंग संस्था में जो भी शिक्षक की अगर उसके पास प्रशिक्षण या योग्यता यानी कि जो भी उसको पढ़ाने का अनुभव या ट्रेनिंग उन्होंने ले रखा है तो उसको आपको संकलन करना होगा, ठीक है। वो आपको उसका अनुभव भी और मतलब जो भी स्टूडेंट मतलब टीचर है वो उसके पास अगर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है या उसको उसके पास पढ़ाने का कुछ
शिक्षकों के पास पढ़ाने का अनुभव है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद भौतिक अधिसूचना है तो यहाँ पे डालना होगा भौतिक अधिसूचना, यानी कि वर्ग कक्षा की संख्या, आपके कोचिंग में कितनी क्लासरूम है वो डालना होगा। बेंच डेस्क की संख्या कितनी है वो डालेंगी। उसके बाद कह रहा है कक्षा में विद्युत की व्यवस्था यानी कि लाइन बिजली की व्यवस्था है तो वो होना चाहिए क्योंकि पंखा चलना चाहिए, तो वो आप है या नहीं वो डाल सकते हैं, हाँ या नहीं में। पेयजल यानी कि पानी पीने की सुविधा है कि नहीं आपके कोचिंग में वो डालेंगे। शौचालय की सुविधा आपकी कोचिंग में है या नहीं वो डालेंगे। छात्र छात्रा के लिए अलग है या नहीं वो डालेंगे, छात्र छात्रा के लिए अलग अलग होना चाहिए यहाँ पे देखा लिखा गया है। उसके बाद जल मूल निकासी यानी कि स्वच्छता के लिए ध्यान रखा गया, मतलब कि जल निकासी के लिए कूड़ादान वगैरह है कि नहीं है और जल निकासी के लिए अलग से व्यवस्था है कि नहीं है। अग्निशामन की व्यवस्था यानी कि आग वगैरह लगती है तो उसे बुझाने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं, चिकित्सा व्यवस्था है कि नहीं, साइकिल वाहन पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं, ये आप इस फॉर्म में फिलअप करेंगे। उसका दूसरी फॉर्म आपके सामने हो जाएगी जिसमें आपकी डिटेल है जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पेज मतलब फॉर्म तो आपको एक ही पेज का है जो भी आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। और ये दूसरा फॉर्म आपको लगाना होगा जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और सिग्नेचर भी करना होगा, यह मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसे आप रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया आवेदन निबंधक जिला हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक। ये फॉर्म, ये दो पेज का फॉर्म, ये वाले फॉर्म और ये पेज, ये दोनों पेज के फॉर्म को आपको फिलअप करके कहाँ जमा करना होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, आपको आपके अपने जिला जो शिक्षा पदाधिकारी वहाँ पे आपको जमा करना होगा। कौन से मतलब विभाग में जमा करना होगा, लेखा एवं योजना शाखा में, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे, वहां पे आपको लेखा एवं योजना शाखा मिलेगा कार्यालय, तो उसमें आपको इस फॉर्म को जमा करना है। किसी भी दिन आप 10 बजे से 5 बजे तक जमा कर सकते हैं, अवकाश यानी कि छुट्टी के दिन को छोड़कर ये आवेदन प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आवेदन वनित तत्वों की जांच, यानी जो आप जो आवेदन देंगे उसकी जांच होगी, जांच कौन करेंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ये जांच सभी की जाएगी। सभी जांच आपको आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर कर ली जाएगी, आपकी जो डिटेल है वो जांच की जाएगी, जो डिटेल आपने फॉर्म पे फिलअप किया वो डिटेल सही है कि नहीं, ये 15 दिन के अंदर जांच कर ली जाएगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा। उसके बाद आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त जांच की निबंध समिति की बैठक, यानी कि आपकी जो जांच होगी उसमें जांच में जो भी जानकारी मिलेगी उस जांच के उस जानकारी के अनुसार निबंध समिति में बैठक की जाएगी। उस बैठक में निबंध आपके अगर आपकी आवेदन स्वीकृत की प्राप्त की जाती है, यानी कि आपकी स्वीकृत हो जाती है आवेदन, तो आपको समिति के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद निबंध, यानी कि जब आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा तो आपको निबंध के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये का चलान निबंध शुल्क के में जमा करना होगा। 5,000 का चलान आपको निबंध शुल्क के तौर पे जमा करना होगा, चलान की मूल प्रति भी संकलन करना होगा। उसके बाद जब आपकी फॉर्म जो है वो अप्रूवल हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया गया है चलान की राशि किन किन चीज में लगने वाली है वो आपको दिखा दिया, यहाँ पे बता दिया गया आपकी जो 5,000 चलान राशि है वो कौन कौन सी चीज में यूज होंगी ये भी आपको यहाँ पे दर्शा दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है जब भी आप निबंध कराएंगे आपके जो रजिस्ट्रेशन होंगे कोचिंग का निबंध के बाद, निबंध तिथि जिस दिन से निबंध हो जाएगी उस दिन से ये 3 वर्षों के लिए मान होगा, यानी कि अगर आज आप 2021 में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2000 यानी कि आज से तीन जब भी रजिस्ट्रेशन हुए उस दिन से 3 साल तक आपकी रजिस्ट्रेशन की वैल्यू रहेगी। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी यानी कि रिन्यूअल कराना होगा, यानी कि फिर से आपको नवीकरण है तो 3,000 रुपये देना होगा, जिससे आप आवेदन शुल्क यानी कि 3 साल पूरे जाने के बाद आपको 3,000 रुपये देकर आपको अपने लाइसेंस को यानी कि निबंध को नवीकरण करा लेना है। उसके बाद साथ साथ बता दिया गया कोचिंग के जो रूल रेगुलेशन है अधिनियम एक्ट 2010 के द्वारा, उसके द्वारा खिलाफ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी जो पहली अपराध होती है, यानी कि अगर आप कोचिंग संस्था अधिनियम एक्ट 2010 के द्वारा जो भी नियम है उस नियम का अगर खिलाफ आप करते हैं यानी कि उल्लंघन करते हैं, अगर प्रथम बार उल्लंघन करते हैं यानी कि अपराध करते हैं तो 25,000 का जुर्माना आपको लगने वाला है। अगर दूसरी बार करते हैं तो यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आप तीसरी बार नियम का उल्लंघन करते हो तो आपका जो निबंध है वो रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपका निबंध रद्द हो जाता है तो आप 30 दिन के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के पास 30 दिन के अंदर अपना अपील दायर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने ये दो फॉर्म है ये फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट को लगा के डॉक्यूमेंट में आप
प्रबंधक की डिटेल लगा देंगे, प्रबंधक की जो आधार पैन कार्ड होगी वो सब लगा सकते हैं, और शिक्षक का ब्यौरा लगा सकते हैं, शिक्षक के बाद जो भी अनुभव होगा वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको शिक्षक संस्था के प्रबंध जो भी शिक्षक संस्था का प्रबंधक है उसका पूरा नाम लिखा जाएगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा जाएगा। साथ साथ इस यहाँ पे जहाँ पे आप जमा करेंगे वहाँ पे ये रसीद आपको वो फिलअप करके देंगे, यानी कि प्राप्ति रसीद कि मैंने इसके आवेदन को प्राप्त किया। तो ये दो पेज के फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के आपको कहाँ जाना है, जिला शिक्षा कार्यालय में जाकर वहाँ पे लेखा है। तो ये फॉर्म को फिलअप करके आपको ऑफलाइन ही कार्यालय में जमा करना होगा, उसको 15 दिन के अंदर ये जांच होगी। जांच में सही पाया जाता है तो आपको 5,000 का निबंध जमा करना होगा, यानी कि चलान जमा करना होगा निबंध के लिए। ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया आपका रजिस्ट्रेशन कोचिंग की हो जाएगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने कंप्लीट प्रोसेस जाना किस तरह अपने बिहार में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।